बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। भावार्थ यह है कि शिष्य का यह परम पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि अपने गुरुदेव के सम्मुख दीनहीन और मस्कीन बनकर अत्यंत नम्रता भरी कोमल वाणी से वार्तालाप करे, जैसे कोई रंक अथवा भिखारी दोनों हाथ जोड़कर किसी धनी के द्वार पर इस आस से धुनी रमाता है कि मुझे मेरा मनवांछित पदार्थ यहीं से मिलेगा। शिष्य का यह प्रयत्न होना चाहिए कि बहुत गिने चुने शब्दों में ही अपने विचारों को गुरुदेव के सम्मुख रखे, किंतु आजकल तो बिल्कुल इसके विपरीत देखने को मिलता है। गुरुदेव के सामने लंबी चौड़ी डींगे मारी जाती हैं और अपनी प्रशंसा जमीन आसमान के कुलावे मिलाए जाते हैं। जिसने भी पाया नम्रता और दीनता से पाया, घड़ा तब तक ही बोलता है जब तक खाली है, जब भर जाए तो गूंज और शब्द कहाँ। थोथा चना बाजे घना की कहावत यहाँ चरित्रार्थ होती है। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में कैसे बैठना चाहिए, उसका ढंग और सलीका भी दर्शाया गया है। शिष्य का यह परम कर्तव्य बन जाता है कि वह कभी गुरुदेव के सामने पांव पसार कर न बैठे, अथवा एक जांघ पर दूसरी जांघ रख कर ऐसे आसन पर न बैठे जो अभिमान का सूचक हो। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य सेवक थे, वह सदैव सेवक आसन पर बैठते थे। इसका गहन भाव यह था कि कहीं भगवान के मुख से आदेश निकले और उसकी पूर्ति करने के लिए उठने में देरी न हो जाए। जो इस प्रकार की असीम श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं उन्हें ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। इन सभी नियमों को पालन करने का भाव यह है कि शिष्य के हृदय में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और आदर सम्मान बना रहे। ऐसे सूफी संतों के वृतांत भी पढ़ने को मिलते हैं जिन्होंने जहाँ कहीं ईश्वरीय नाम लिखा देखा उसे अत्यंत श्रद्धापूर्वक सिर आँखों पर लगाया। श्री गुरुदेव से कभी कोई गुप्त रहस्य नहीं रखना चाहिए, कभी कोई बात छिपाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि शिष्य ऐसा करता है तो गुरुदेव तो अंतर्यामी हैं, उनकी पैनी दृष्टि सत्य की खोज कर लेगी, तब शिष्य आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाएगा। जहां सरलता है वहीं महानता है। जैसे वेद मंत्र त्रिकाल सत्य हैं, उनकी सत्यता असंदिग्ध है। इसी प्रकार शिष्य का यह परम धर्म है कि गुरु वाक्यों को वेद वाक्य ही समझे और गुरुदेव को नर रूप में नारायण साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर ही जाने। ऐसी अचल और अटल निष्ठा से ही वह आध्यात्म पथ पर आरूढ़ हो सकता है। ऐसी निष्ठा से ही गुरु भक्ति का श्री गणेश होता है। प्रारंभ में जिन्हें सर्वसाधारण मानव समझा जाता है वही अंततः हमारे साध्य परम तत्व आदि ब्रह्म तथा साक्षात नारायण निकलते हैं। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब कहा है, इश्क की इब्तदा भी तुम, हुस्न की इंतहा भी तुम, रहने दो राज खुल गया, बंदे भी तुम खुदा भी तुम।
बोल जयकारा बोल साचे दरबार की जय।